हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स की शुरुआत हुई मेंडल से। तो सबसे पहले हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, जिनका पूरा नाम ग्रिगर जॉन मेंडल है और इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि यही पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था या पूरा मैकेनिज्म बताया था कि कैसे कोई करैक्टर ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि करैक्टर्स क्या हैं और ट्रेट क्या हैं। करैक्टर जो है वो एक फिनोटिपिक प्रॉपर्टी है किसी इंडिविजुअल की। फिनोटिपिक का मतलब है कि जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, जो कि हमारी आंखों से विजिबल हो। जैसे कि प्लांट की हाइट है, प्लांट छोटा है, बड़ा है, मीडियम है, क्या साइज़ है, हम मेजर कर सकते हैं। फ्लावर कलर है, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि फ्लावर कलर क्या है, वाइट है, पिंक है, रेड है, या फिर टाइप ऑफ हेयर, जैसे कि कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर। तो ये तो हो गए हमारे करैक्टर। अब देखते हैं कि ट्रेट क्या हैं। ट्रेट एक इनहेरिटेड करैक्टर है, जैसे कि टॉल है या ड्वार्फ है, पर्पल कलर का फ्लावर है, वाइट कलर का फ्लावर है, कर्ली हेयर है, स्ट्रेट हेयर है। जैसे कि मेरे कर्ली हेयर हैं, तो ये मेरा इनहेरिटेड ट्रेट है जो कि मुझे अपने पेरेंट से मिला, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेट। और करैक्टर क्या हो गया? टाइप ऑफ हेयर। अब हम बात करते हैं मेंडल की। मेंडल ने कुछ ऐसे जनरलाइजेशन दिए इनहेरिटेंस को लेकर जो कि बाद में जाकर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बने, जिसे हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। और इन्हीं से ही जेनेटिक्स का फाउंडेशन हुआ था। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को एक किसान के परिवार में हुआ, जो कि एक ऑस्ट्रिया के गांव में रहते थे जिसका नाम है हेजेंडॉर्फ, लेकिन अब वो चेक रिपब्लिक का पार्ट है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि मेंडल का जन्म कहाँ पर हुआ, तो अगर आप ऑस्ट्रिया लिखेंगे तो भी चलेगा। मेंडल एक होनहार स्टूडेंट थे। उन्होंने कई साल फिलोसफी की पढ़ाई की। उन्हें ऑगस्टेनियन मोंक भी कहते हैं, क्योंकि स्कूलिंग के बाद उन्होंने मोनेस्ट्री ज्वाइन की और 25 साल की उम्र में वो मोनेस्ट्री के प्रीस्ट बने। 1851 में मेंडल बॉटनी और फिजिक्स की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वेना गए और ब्रन में वापस आकर उन्होंने 14 साल एज ए टीचर फिजिक्स और नेचुरल साइंस पढ़ाया, और उसके बाद उन्हें मोनेस्ट्री का हेड बना दिया गया। 1856 में मेंडल ने मोनेस्ट्री के गार्डन में पी प्लांट्स देखे और उन्होंने देखा कि जो सीड्स हैं वो दो तरह के हैं, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट कर दिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेंडल ने कौन से प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो आप लिखेंगे गार्डन पी, का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट, अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स गार्डन पी प्लांट पे किए फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के लिए? 7 साल तक। 1856 में उन्होंने स्टार्ट किए और 1863 तक उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए 34 पेयर्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ पी प्लांट से स्टार्ट किया, धीरे धीरे उसको कम करके फाइनली 7 पर आए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेंडल ने कितने पेयर्स ऑफ वेराइटीज़ पे काम किया था। ये जो करैक्टर्स थे ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से करैक्टर्स थे जो डिफर करते थे इन पेयर्स में। तो वो थे फ्लावर कलर, फ्लावर पोजिशन, स्टेम हाइट, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर। तो ये सब आपको करैक्टर्स आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से ये 7 करैक्टर्स हैं। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में जो वेराइटीज़ थी वो सब प्योर लाइन्स थी। तो प्योर लाइन का मतलब क्या है? प्योर लाइन का मतलब ये है कि जब दो इंडिविजुअल्स जब इंटरक्रॉस किया जाता है, जो ऑफस्प्रिंग उनके आएंगे वो एक ही तरह के फिनोटाइप के होंगे। जैसे स्मॉल टी स्मॉल टी, इसको अगर हम क्रॉस करते हैं कैपिटल टी के साथ, तो जितने भी जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो एक ही फिनोटाइप के होंगे, जो होगा टॉल। तो F1 जनरेशन जो होगी वो होगी टॉल। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में कई तरह की क्रॉस ब्रीडिंग की और उसके बाद ऑफस्प्रिंग्स को सेल्फ ब्रीड किया। जैसे कि ये दो पेरेंट्स हैं ए और बी, इनको क्रॉस किया और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग आया F1 ऑफस्प्रिंग, उसको उसने सेल्फ ब्रीड किया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में बहुत सारे प्लांट्स यानी कि सैंपल साइज को काफ़ी बड़ा रखा, जैसे कि लगभग 10,000 पी प्लांट्स लिए, जिससे डेटा को क्रेडिबिलिटी मिली।
मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में स्टैट का इस्तेमाल किया। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मैथमेटिकल लॉजिक लगाया और स्टैट एनालिसिस किया। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पे जितने भी बायोलॉजिस्ट होते थे वो स्टैट का इतना यूज़ नहीं करते थे। 1866 में मेंडल का पेपर एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पब्लिश हुआ एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रन नेचुरल साइंस सोसाइटी में। 1884 में जब मेंडल की डेथ हुई तब तक उनके काम को कुछ रिकग्नाइज नहीं किया गया था। आगे जाकर हम देखेंगे कि क्या ऐसे कारण थे जिनके कारण मेंडल के वर्क को रिकग्नाइज क्यों नहीं किया गया था। मेंडल की डेथ के लगभग 34 ईयर्स तक उनके काम को रिकग्नाइज नहीं किया गया था। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि जिस जर्नल में उनका पेपर पब्लिश था प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रन नेचुरल साइंस सोसाइटी उसका सर्कुलेशन बड़ा ही लिमिटेड था, और दूसरा जो उनके कंक्लूजन्स थे, मेंडल के कंक्लूजन्स थे या रिजल्ट्स थे, उनको वो कन्विंस नहीं कर पाए यूनिवर्सली, क्योंकि उनके रिजल्ट्स फेल हो गए जब उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट्स हॉकविट पे किए। रीजन बीइंग उनके पास प्योर लाइंस अवेलेबल नहीं थे, लैक ऑफ अग्रेसिवनेस इन हिज पर्सनैलिटी। तो मेंडल की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि लोग कन्विंस ही नहीं होते थे, और उस टाइम पर डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इतनी फेमस थी अमंग द साइंटिफिक पीपल कि मेंडल के वर्क को रिकग्नाइज ही नहीं किया गया। मेंडल का जो कॉन्सेप्ट था फॉर डिस्क्रीट यूनिट्स और फैक्टर्स, जिसे आज हम जीन्स बोलते हैं, कि स्टेबल है, अनब्लेंडिंग है फॉर वेरियस ट्रेट्स, दिस ऑल्सो डिडेंट फाइंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कंटेम्प्रेरीज। मेंडल के इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। मेंडल के जो कंक्लूजन्स थे अबाउट हेरिडिटी वो काफ़ी एडवांस थे, क्योंकि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में मैथ और स्टैट का काफ़ी यूज़ किया, जो कि उस टाइम के बायोलॉजिस्ट इतना यूज़ नहीं करते थे, तो उनको इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और देर वॉज नो प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर्स। उस टाइम कोई प्रूफ नहीं था कि सही में ये फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और किस मटीरियल के बने हुए हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जिनके कारण मेंडल के काम को रिकग्नाइज नहीं किया गया। अब बात करते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क की। 1900 में तीन साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी को, जो ऑलरेडी मेंडल कर चुके थे। तो ये तीन साइंटिस्ट कौन हैं? हुगोडिवरीज ऑफ होलैंड, कार्ल कॉरेंज ऑफ जर्मनी एंड एरिक वॉन चेमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया। हुगोडिवरीज को मेंडल का पेपर मिला और आगे उन्होंने उसको पब्लिश कराया फ्लोरा में इन 1901। बेटसन, पन्नेट एंड अदर साइंटिस्ट फाउंड दैट मेंडल्स वर्क वॉज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एनिमल्स। तो इन साइंटिस्ट को लगा कि मेंडल का जो काम है जिन्होंने पी प्लांट पे किया था, ये केवल प्लांट्स पे ही नहीं बल्कि एनिमल्स पे भी अप्लाई होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले बायोलॉजी वीडियो में। तब तक के लिए वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट।